हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मयंक श्रीवास्तव फ्रॉम अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड माई कॉलेज इज एफिलेटेड विद डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फेस डाइग्राम सबसे पहले बात करते हैं फेस डायग्राम से पे पहुंचने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में जो जो चीज़ें आपको कवर अप करा था या जो बेसिक्स थे क्योंकि इस यूनिट में फेस डायग्राम पढ़ने से पहले आपको पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि वन बाय वन सारा कुछ एक दूसरे से आपका कोरिलेटेड होता है तो हमने जो आपको बताया था कि यूनिट सेल क्या होता है एक्चुअली क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे आप यूनिट सेल कहते हैं फिर हमने आपको यूनिट सेल्स के बारे में बताया था कि वो कैसे वर्क करता है लैटिस क्या क्या चीज़ें होती हैं लैटिस का फॉर्मेशन कैसे होता है मिलर इंडिसेस क्या होता है अब जैसे लेटिस होता है तो लेटिस क्या होता है कि एक्स एक्सिस में वन बाई वन आप यूनिट सेल को रखते जाएंगे वाई एक्सिस में आप उसको पुटअप करिए और जेड एक्सिस में पुटअप करिए तो क्या होता है एक मेटल पूरा तैयार होता है थ्री डायमेंशनल में तीन डायमेंशनल में वो चीज़ें एक्स वाई और जेड जब तीनों चीज़ों को रख करके हम कवरअप करते हैं तो उसे थ्री डायमेंशनल बोला जाता है और मटेरियल आपका तीन डायमेंशनल में पूरा होता है अब लैटिस में आपने यूनिट सेल प्लेस कर दिया उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस फाइंड करता है कि लैटिस में कौन सा एड्रेस पर कौन सा यूनिट सेल रखा हुआ है इसका क्या यूज़ होता है इसमें हमने आपको बताया था कि इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप को ये पता हो जाए कि कौन से एड्रेस पे यहाँ पर फेल्योर आ रहा है जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल कहीं पर भी आपने रखा इक्विपमेंट रखा और उसके बाद उसका यूज करा तो जब आप उसका यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं फेल्योर आता है तो उस फेल्योर को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फेल्योर आ रहा है तभी तो आप उसमें रेमडीज़ यूज़ कर पाएंगे तभी तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ फेल्योर ना हो फेलियर होने से आप उसको बचा पाए तो उसके लिए आप मिलर इंडिसेस का यूज करते हैं अब मिलर इंडिसेस में आप क्या करते हैं आप पता करते हैं कि कहाँ पर कौन सा फेल्योर आ रहा है जब आपको ये पता चल जाता है ये फेल्योर आया तो आपने क्या करा उसके स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बना दिया या जिस डायरेक्शन में फेल्योर आ रहा है उसमें आपने और ज़्यादा इनपुट्स अपने दे दिए मटेरियल कंपोजिशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया तो उस केसिस में क्या होगा आपका वो मटेरियल वहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हमने आपको मिलर इंडिसेस में बताई थी फिर उसके बाद जब आपका थ्री में मटेरियल बन गया था फिर आपको हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की क्या होती हैं जैसे डक्टिलिटी डक्टिलिटी में क्या होता है कोई भी मटेरियल में आप टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वायर फॉर्म में वो आसानी से चेंज हो जाता है तो ये उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ होती है फिर उसके बाद ब्रिटेलनेस होता है ब्रिटेलनेस में क्या होता है प्लास्टिक लिमिट को वो ज़्यादा देर तक गेन नहीं करती और सडन फ्रैक्चर होता है तो वो ब्रिटेलनेस प्रॉपर्टीज़ होती है इसी तरह आपको हमने बताया था टफनेस और आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि टफनेस और हार्डनेस में क्या अंतर होता है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो हार्डनेस में क्या होता है आपका क्रैक कितना इंडेंट हो रहा है या कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितना अलाउ करता है क्रैक को इंडेंट होने की प्रॉपर्टीज़ को वही उसकी हार्डनेस को बताता है जितना कम अलाउ करेगा उतनी ज़्यादा मटेरियल हॉर्ड हार्ड होगा लेकिन हार्डनेस के साथ साथ टफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है अब टफनेस में क्या चीज़ आती हैं कि मटेरियल की वो क्वालिटी जिसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो तो वो उसकी टफनेस की क्वालिटी आ जाती है तो ये हमने आपको कुछ मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी इसके बाद जो हमने आपको बताया था कि टेस्टिंग कैसे करनी अब आपका मटेरियल बन गया भाई पहले आपने ड्राइंग के थ्रू उसको 2D में करा फिर उसके बाद उसको मटेरियल 3D में चेंज करा मटेरियल आपका बन गया अब मटेरियल में له, कुछ ना कुछ टेस्टिंग करेंगे क्यों क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो फेल्योर के चांसेस चांसेस बढ़ेंगे तो टेस्टिंग भी आपकी हमने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं एक होता है एनडीटी और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोटोटाइप मॉडल या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसके ऊपर जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या फेल्योर uh, आते हैं जब फेल्योर आने के बाद उस मटेरियल को आप दोबारा यूज ना कर पाएँ तो वो आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है कि जब आप मटेरियल को दोबारा यूज कर सकते हैं वो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है मटेरियल में हमेशा आप मॉडल बनाते हैं कुछ आप प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि रियल वन की तरह जो आपको दिखे साइट पे जैसा आपको यूज करना है एज इट इज़ आप उस मॉडल को बनाएं तो उसे आप प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं अब जब प्रोटोटाइप मॉडल बनता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स लगते हैं आपका मनी लगता है मैन पावर लगता है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं तो अगर वो उस समय फेल होता है तो आपका काफ़ी नुकसान होता है तो इसलिए इन सब जो से बचने के लिए आज की डेट में ज़्यादातर चीज़ें आप क्या करते हैं सॉफ्टवेयर पर करते हैं अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे आपका टू सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड हो गया और भी कई सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कैटिया प्रो ये सब टू पे भी काम करते हैं आप और थ्री पे भी काम करते हैं तो पहले आपकी डिजाइन बनती है फिर उसको आप लेके जाते हैं दूसरे मॉड्यूल पे इन्हीं मॉड्यूल को आप कहते हैं वर्क बेंच जैसा मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा था उस वर्कबेंच का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल या टूल या, या आपका हर वर्कबेंच के अलग अलग टूल्स होते हैं तो उस टूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन इंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी आपका सॉफ्टवेयर पर होने लगा फिर आपने क्या करा नेक्स्ट उसको लेकर के जाते हैं आप किस पर मैनुफैक्चरिंग के बाद आपका होता है एनालिसिस अब एनालिसिस के लिए या टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग के लिए आप उसमें यूज करते हैं हाइपरमेस और एनसिस uh, सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिकोगनाइज uh, करते हैं कि क्या इशू आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है अब वो फ़ाइनाइट एलिमेंट मैथड के ऊपर होता है अब फाइनाइट एलिमेंट मैथड में क्या करते हैं जितने भी नोडल पॉइंट बनते हैं या माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस इंजीनियरिंग में कोई भी मटेरियल अगर बनता है तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है जैसे आपका एफसीसी हो गया बीसीसी हो गया तो जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है उसके जो भी नोड होते हैं कहीं ना कहीं जब असेंबली होती है तो नोडल पे ही लोड आता है ज़्यादा और वहीं से ब्रेकेज होता है तो वो जो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक्स के थ्रू आप उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है और उसके बाद सेम वही प्रोसेस जो आपको हमने मिलर इंडिस में बताया था आपको अब एड्रेस पता हो गया कि कौन से यूनिट सेल में कहाँ पर क्या इशू आ रहा है आपने रिकोगनाइज़ करा और उसके बाद उसको आगे प्रोसेस करा जितनी स्ट्रेंथ देनी थी या जो भी उसमें टेस्टिंग के बाद जो भी आपके रिजल्ट्स आए उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको जो भी चेंजेज उसमें करना था वो आपने उसमें वन बाय वन चेंजेस करा तो उससे क्या होता है आपका टाइम नहीं बर्बाद होता है एज ए इंजीनियर आपको एक गुड सरफेस प्रोडक्ट मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने आपको टेस्टिंग में बताया था बेसिक में तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई टेस्टिंग हो गई क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया टू डायमेंशनल कैसे बनता है थ्री डायमेंशनल कैसे बनता है असेंबली क्या होती है ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया अब आते हैं फेस डायग्राम। फेस डायग्राम का मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी मटेरियल उसमें आप टेम्परेचर दीजिए कुछ प्रेशर दीजिए और उसके बाद उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आता है उसके फेस को रीड करिए रीड करके आपको क्या मिलेगा कि वो फेस या वो मटेरियल कितनी देर बाद फेल्योर हो रहा है या कितने टेम्परेचर पे उसमें कुछ क्रैक्स आ रहे हैं या फेल्योर के चांसेस आपको मिल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपका फेस डाइग्राम क्लियर करता है अब फेस डाइग्राम कितने टाइप्स के होते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं तो फेस डायग्राम जो होता है आपका वो यूनरी फेस डायग्राम होता है बाइनरी फ़ेस डायग्राम होता है टर्सरी फेस डायग्राम होता है बेसिकली ये ये तीन चीज़ें आप बेसिकली यूज़ करते हैं अब यूनरी का मतलब क्या हुआ या यूनरी को ही आप कहते हैं सिंगल फेस डायग्राम सिंगल फेस डायग्राम क्या होता है या यूनरी फेस डायग्राम क्या होता है जिसमें एक कंपोजिशन हो या एक मेटल लगा हो किसी एक मेटल पे जब आप टेस्ट करते हैं तो उसे आप कहते हैं यूनरी फेस डायग्राम और अगर आप एक से ज़्यादा मेटल पे करते हैं तो वही आपका बाइनरी हो जाता है जब दो आप करते हैं और अगर आप तीन करते हैं तो टर्सरी हो जाता है करते क्यों हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ये चीज़ें करते क्यों हैं कि आपको फेस डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या उसका क्या एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में ये मोटिव है एज uh, इंजीनियर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट uh, टर्म होता है कि आपको फेस डायग्राम पता होना चाहिए वो इसलिए करा जाता है कि नेचर से जो भी चीज़ हमको मिलती है वो एज ओ और फॉर्म में मिलती है ठीक है जैसे फॉ फॉर एग्जाम्पल आपने आपको आयरन मिला या कास्ट आयरन मिला अब कास्ट आयरन को आप तुरंत एज ए टूल यूज़ नहीं कर सकते कटिंग टूल अगर आपको कास्ट आयरन का यूज़ करना है तो क्यों नहीं कर सकते क्वेश्चन एराइज होता है क्यों क्योंकि उसका सरफेस उतना हार्ड नहीं होता है तो उस हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा उसमें कुछ ना कुछ सबिस्टेंस मिलाना पड़ेगा या कहाँ पर फेल्योर होता है कितने टेम्परेचर के बाद उसमें डिफॉर्मेशन शुरू होती है तो उसके लिए क्या होगा आपको फेस uh, डायग्राम पढ़ना जरूरी होता है इंपॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि जैसे आपने मान लिया एज अ कटिंग टूल कास्ट आयरन लगाया अब उस वो कटिंग करना शुरू करा अब थोड़ी देर बाद क्या होगा वहाँ पर डिफॉर्मेशन आएगा तो कितने टेम्परेचर पे आएगा ये आपको नहीं पता कितना लोड बियर कर सकता है ये आपको नहीं पता या वो हो सकता है मटेरियल को ही डैमेज कर दे ये भी आपको नहीं पता तो ये सारी चीज़ें अगर आपको वन बाई वन समझनी है सीखनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है फेस डाइग्राम तो अगर सिंगल मटेरियल का करोगे तो यूनरी फेस डायग्राम हो गया अब बाइनरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है हमने आपको सारा बेसिक इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में कवरअप करेंगे पूरे यूनिट का तो अब बाइनरी में क्या होता है बाइनरी में क्या करना होता है कि दो कंपोनेंट आप ऐड करते हो दो कंपोनेंट क्यों ऐड करना पड़ता है क्योंकि एज ए इंजीनियर जब आप किसी एक कंपोनेंट में पूरी क्वालिटीज सर्च करते हैं तो वो पूरी डिजायरनेस जो आपको चाहिए एज अ मटेरियल कहीं पर यूज करना है तो वो पूरा सक्सेसफुल या 100 परसेंट इफ़िशेंट नहीं होता एक मटेरियल क्यों क्योंकि हो सकता है उसमें डक्टिलिटी की क्वालिटी हो तो उसमें दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ना हो जो कि आपको एट अ आप साइट या एट अ प्रेजेंट जहाँ पर आपको यूज करना है ऑपरेशन के टाइम पे चाहिए तो वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप जो है बाइनरी फ़ेस डाइग्राम यूज़ करते हैं बाइनरी में क्या होता है कंपोजिशन यूज़ करते हैं एक्चुअली तीन टर्म्स होते हैं फेस डाइग्राम को अच्छा समझने के लिए यही तीन टर्म्स ही यूज होते हैं एक होता है आपका टम्परेचर दूसरा होता है प्रेशर और तीसरा होता है कंपोजिशन जब ये तीनों आप इन्हीं तीनों को कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं और इसके इम्पैक्ट को आप मटेरियल पर देखते हैं किस पर फेस डायग्राम पे तो आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा है और किस में क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करना है और उसको एक अच्छा मटेरियल इफ़ेंट मटेरियल बनाना है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस पर काम कर सकें तो ये बेसिकली फेस डायग्राम का मोटिव होता है दो कंपोनेंट ऐड करने का क्या मोटिव होता है मेन मोटिव यही होता है दो कंपोनेंट का ऐड करने का कंपोजिशन एक्चुअली दो फेज डायग्राम ये भी आपको बताता है कि कौन सा मटेरियल मिक्स हो पाएगा कौन सा नहीं मिक्स हो पाएगा मटेरियल की मिक्सिंग की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है अगर एक आप सिंगल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो होता क्या है फेस डायग्राम में आपने टेम्परेचर दिया वो डिफॉर्म हुआ कुछ मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँचा उसके बाद मेल्ट हुआ फेस अपना चेंज करा सॉलिड था सॉलिड से लिक्विड फेस में आया आपने और टेम्परेचर राइज करा वो गैसियस फॉर्म में चला गया तो ये तो सिंगल या यूनरी फेस डाइग्राम का बेसिक पार्ट है जो हमने आपको अभी बताया लेकिन अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में क्या होता है कि आपको दो मटेरियल को आपस में एड ऑन करना होता है जब आप दो मटेरियल आपस में ऐड करते हैं तो वही आपका एलॉय हो जाता है अब दिक्कत यह आती है कि कौन से दो मटेरियल ऐड हो सकते हैं कौन से दो मटेरियल ऐड नहीं हो सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है तो ऐड करने के लिए बेसिक इम्पोर्टेंस क्या होता है वो ये होता है कि आपका टम्परेचर जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लमसम आसपास होना चाहिए ऐड होने के लिए अभी हम एग्ज़ाम्पल में भी आपको समझाएंगे आगे स्लाइड्स में तो अगर टेम्परेचर आसपास होगा मेल्टिंग पॉइंट का तभी आसानी से ऐड हो पाएगा नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और क्या दिक्कतें आती हैं उनके स्ट्रक्चर्स लमसम सेम होने चाहिए अगर एफ है तो एफ होगा तभी आपका मिल पाएगा अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो पाएगा अगर बी है बी बॉडी क्यूबिक सेंटर है तो दूसरा वाला भी मटेरियल बॉडी क्यूबिक सेंटर होना चाहिए तभी प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सिंग हो पाएगी तो होमोजीनियस मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब मटेरियल साइंस में अगर बात करें मटेरियल्स की ही बात करते हैं इसलिए हम इसमें गैस के पार्ट में नहीं जाते हैं कि गैस को मिक्स करने में क्या होगा या उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉमन क्लेचर क्या क्या चेंज होंगे तो उस पर डिस्कस ना करते हुए हम अपने मटेरियल इंजीनियरिंग के ही टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म इंटू वेरियस फेसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसर ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको हमने पहले भी बताया कि मटेरियल ट्रांसफॉर्म होगा वेरियस फेसेस में लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्योंकि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखना होता है तो आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो फेस चेंज करता है उसके बाद फिर उसको सॉलिडिफाइज करते हैं मतलब आप उसको कूलिंग करते हैं कूलिंग करने के बाद क्या होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में आता है फिर उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को आप पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कितना स्ट्रेंथ है या वो आपके अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है कि नहीं तो ये सारी चीज़ें जो भी आप अगर मटेरियल के बारे में अच्छा नॉलेज गेन करना होता है तो आपको फ़ेस डाइग्राम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसका फिर क्या होता है आपका द मिक्सिंग ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट रिक्वायर स्टडी ऑफ फेस डायग्राम अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर मिक्स करना है अगर सिंगल एलिमेंट है तो हो सकता है आप उसको एक बार टेम्परेचर दिए हीट करें डिफॉर्म हुआ उसकी क्वालिटीज़ पर रीडिंग करें और उसके बाद उसको एनालाइज़ करें और जहाँ यूज करना है यूज कर लिए लेकिन अगर आपका एक से ज़्यादा कंपोनेंट आता है दो कंपोनेंट हो गए अब दो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ आपको दोनों मेटल की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए कि वो उनका आपका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है या उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसा हो रहा है या उसका दोनों मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है या दोनों मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप फेस डायग्राम को अच्छे से रीड कर पाएंगे तो वही चीज़ है कि द मिक्सिंग ऑफ टू एटम्स आर मोर एलिमेंट रिक्वायर स्टडी ऑफ डिफरेंट फेसेस दो एटम या दो से ज़्यादा एटम को जब मिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमको फेस डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या फेस डायग्राम जानने की ज़रूरत पड़ती है और भी इसमें क्या होता है जैसे आयरन आपको मिला अब आयरन एज अ और फॉर्म में मिला आपको अब उसमें आप उसको अब आयरन का ही फॉर्म होता है एलॉय के फॉर्म में अगर देखा जाए तो आयरन में ही आपका स्टील फॉर्मेशन होता है अब स्टील कैसे बनता है तो वो आपका जब आयरन में आप कार्बन मिलाते हैं थोड़ा कार्बन मिलाए कुछ उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई टेम्परेचर बढ़ाए फिर कार्बन मिलाए टेम्परेचर बढ़ाए तो उससे करते करते क्या होता है आपका जब दो आ जाता है तो आपका क्या होता है आपका वही आयरन आपका स्टील फॉर्मेशन में हो जाता है अब आयरन का आप कहीं और यूज करते हैं और स्टील का कहीं और यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी अलग अलग होती है कहीं लाइट इनवेट का यूज़ करना है या हार्डनेस ज़्यादा चाहिए या एज अ कटिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए या गुड सर्फेसिंग चाहिए तो वो सारी क्वालिटीज़ कैसे इनबिल्ट होंगी वो डिपेंड करेगा कितना मटेरियल आप मिला रहे हैं और मटेरियल मिलाने पे क्या क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है और उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ दूर हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डीप में पढ़ना है तो फेस डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव सीन दैट आयरन हैज़ अवेलेबल इन बी अब आयरन जो होता है हमको बी फॉर्म में मिलता है और अल्फ़ा आयरन बोला जाता है उसे आयरन हमको बी फॉर्म में मिला जब हम एज ए और फॉर्म में लेते हैं तो वो शुरुआत में आप चाहे यहाँ निकालिए चाहे किसी भी कंट्री में उसको निकालिए वो आपको बीसीसी फॉर्म में मिलेगा लेकिन अब हमको कहीं पर उसको गामा आयरन के फॉर्म में यूज करना है मतलब एफसीसी में यूज़ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा तब हमको राइज़ करना पड़ेगा का कार्बन कंटेंट मिलाना पड़ेगा तो वो क्या हुआ आपका गामा आयरन में चेंज हुआ अब फिर गामा से आपको बीसीसी में करना है तो फिर क्या करते हैं आप उसको कूल करते हैं या और टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस केस में वो गैसेस फॉर्म में जाता है और वहाँ पर आपको डेल्टा आयरन मिलता है जिसे आप बीसीसी फॉर्म कहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसका इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि जब आपको सारे माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा बी -सी -सी के बारे में एफ -सी -सी के बारे में हर मटेरियल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आप दो मटेरियल को आपस में मिला सकते हो और उसके ऊपर आप एनालाइज़ कर सकते हैं तो ये फेस डायग्राम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फेस डायग्राम फेस डायग्राम आर इंपॉर्टेंट फॉर एंड इसेंशियल टूल टू अंडरस्टैंड कंपोजिशनल कंसंट्रेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट मतलब कि ये इसेंशियल टूल होता है एज़ अ टूल आप इसे यूज करते हैं क्यों क्योंकि आपको ये सारे बेनिफिट्स बताता है दो मटेरियल के बेनिफिट्स बताता है तो ये एज अ टूल यूज करते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए फेस डायग्राम एज अ टूल है ये आपको देखने में कटिंग टूल नहीं लग रहा है लेकिन अगर इंजीनियरिंग में आप इसको समझोगे तो ये एज अ टूल्स वर्क करेगा ये उसके कंसंट्रेशन को समझने के लिए फेस डायग्राम में दो चीज़ों को मिलाने को समझने के लिए अभी हम आगे इसमें एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे कि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर और ये क्या होता है टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता है मतलब चेंज करता है अपने डिफॉर्मेशन या अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अब जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ चाहिए उस तरह का मटेरियल एलिमेंट आप उसमें मिलाएंगे तो आपको वही प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट जो आपको अभी एग्जाम्पल में भी थे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है आपका कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3400 डिग्री सेंटीग्रेड अब टंगस्टन का चौतीस डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है और उसी अगर अदर हैंड पे देखा जाए अल्मोनियम का वो क्या है 657 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि आपने मान लिया दो मटेरियल हैं एक अल्मोनियम और एक टंगस्टन अब आपने हीट करना शुरू करा तो जब टेम्परेचर सिक्स पहुंचा तो एल्मोनियम तो मेल्ट हो गया लेकिन टंगस्टन मेल्ट नहीं हुआ तो जब आपका मेल्ट ही नहीं हुआ तो दो आपस में ब्लेंड कैसे होंगे या ब्लेंड कैसे होंगे या मिलेंगे कैसे तो इस चीजों को करने के लिए फेस डायग्राम को समझने के लिए इसलिए जरूरी होता है कि ये दोनों मेल्टिंग पॉइंट आपस में काफी क्लोज हों अगर क्लोज होंगे तो आसानी से ब्लेंड हो जाएगा आसानी से वो सॉलिड लिक्विड फेस में चेंज होगा फिर इंटरमीडिएट फेस में आएंगे और उसके बाद वो आपस में मिक्स हो जाएंगे ब्लेंड मतलब मिक्स होना तो वही चीज़ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ एल्युमिनियम इज 657 डिग्री सेंटीग्रेड हैंस टू एलिमेंट्स कैन नॉट ब्लेंड टुगेदर इसका मतलब क्या हुआ ड्रास्टिक चेंज है दोनों टेम्परेचर में एल्युमिनियम का इतना कम है और टंगस्टन का इतना ज़्यादा है यहाँ ये मेल्ट हुआ लेकिन ये अभी मेल्टी नहीं हुआ तो कहाँ से मिक्स हो पाएगा तो उन चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए आपको दोनों फेस आपके सेम होने चाहिए टुगेदर एज द सॉलिड लिक्विड एंड इंटरमीडिएट फेसेस रिस्ट्रिक्ट देम टू डू सो मतलब क्या हुआ अभी दोनों फेज सेम नहीं हुआ तो अगर क्या हुआ ये तो लिक्विड में हुआ ये अभी लिक्विड फॉर्म में आया ही नहीं तो क्या हुआ इंटरमीडिएट फेज में हुआ तो जो इंटरमीडिएट फेस बीच का है वो क्या करता है इनको रिस्ट्रिक्ट करता है आपस में ब्लेंड होने में आपस में मिक्स होने में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है फेस डाइग्राम पढ़ने से पहले फिर क्या होता है एक एग्जाम्पल और इसमें दिया गया है आपका निकिल और कॉपर का कि हाउ एवर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 108, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड एक तिरासी डिग्री सेंटीग्रेड आपका किसका है कॉपर का और वही निकिल का क्या है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड अब इस केस में अगर आप देखो तो ये लमसम सेम है मतलब ये आपका मेल्ट uh, होना मेल्ट uh, हो गया और ये मेल्ट होना शुरू हुआ तो उस केस में क्या होगा डिफरेंस कम है टेम्परेचर डिफरेंस इतना ड्रास्टिक नहीं है काफ़ी नीयर बाई है तो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है जब नीयर बाई होगा तो ये मेल्ट हो गया और ये मेल्ट होना शुरू हुआ तो क्या हुआ मिक्सिंग आसानी से हो सकती है तो वही चीज़ इसमें आपको समझाया गया इस एग्जाम्पल में जैसे इसमें लिखा है होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज़ वन डिग्री सेंटीग्रेड एंड निकिल इज़ फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड और उसी जगह आपका अगर लेड की बात करें 3, ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड 320 एवेंटी टू थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन देर फेज डायग्राम इंडिकेट्स दैट पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग तो इस केस में आपको क्या पता चला कि पॉसिबिलिटीज ऑफ मिक्सिंग आसानी से हो सकती इन मटेरियल में लेकिन कैसे पता चला जब आपको इनका मेल्टिंग पॉइंट पता चल गया तो मेल्टिंग पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी फेस डायग्राम को पढ़ने के लिए और मटेरियल को आपस में मिक्स करने के लिए अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप दो मटेरियल सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर फेस देखा जाए तो फेस होता ही ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ

अब आप देखो दोनों के फेस सेम है और दोनों आप मिक्स करते हो तो वो क्या होता है सिंगल फेस डायग्राम कहा कहा जाएगा या यूनरी एक एक उसमें एक कंपोनेंट हो जाएगा दोनों आपके होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे लेकिन वही अगर आप आइस को लेते हो आइस आपका सॉलिड है और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में और अगर इनको मिक्स करते हो तो टाइम टेकन है टाइम टेकन क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग होती है और इसकी डेंसिटी अलग होती है तो जिसके कारण आपने मान लीजिए एक आपने बॉक्स लिया उसमें आपने पोर कर दिया लिक्विड और उसके बाद उसमें आपने एक आइस का टुकड़ा डाल दिया तो उस फेस में क्या होगा आपका आइस जो है टाइम टेकन या टाइम लेगा उस फेस में आने में और दोनों के फेस चेंज चेंज थे लेकिन दोनों एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे लेकिन आपका टेम्परेचर राइज करोगे तो और एग्जाम्पल आपको देते हैं जैसे आप शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में तो उसकी भी आपकी एक लिमिट होती है आपने शुगर को पोर करा वाटर में मिक्स करा तो आपने पोर करा फिर आपने क्या करा उसको मिलाया तो वो क्या हुआ मिक्स हो गया ठीक है फिर थोड़ा और डाला फिर मिलाया मिक्स हो गया एक समय ऐसा आएगा जब मिक्स होना बंद हो जाएगा उसकी सॉलिबिलिटी लिमिट होती है हर मटेरियल की अपनी सॉलिबिलिटी लिमिट होती है तो अगर सॉलिबिलिटी लिमिट तक वो पहुंच गया और अब मिक्स नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा अब आप क्या करते हो अगर ठंड थंद, ठंडा मान लीजिए मिल्क है आपका और उसमें आप शुगर मिलाते हैं तो नहीं मिलता है क्यों क्योंकि उसकी वो टेम्परेचर राइज़ नहीं हो पाया और आपका ये सॉलिड कंटेंट है उसमें प्रॉपर मिक्स नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करते हो बोलते हो टेम्परेचर बढ़ा दो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस केस में क्या होता है आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी सॉलिबिलिटी लिमिट बढ़ती चली जाती है और मिक्सचर आपका होमोजीनियस होता चला जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस में मिक्स कब हो पाएगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि कब हो पाएगा तो कब के ऊपर डिपेंड करता है उसकी सॉलिबिलिटी लिमिट उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उसका टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर आप आ, मिलाते हैं तो उसका फेस डिफॉर्मेशन होता है सबसे पहले सॉलिड होगा लिक्विड होगा फिर गैसियस फॉर्म में होगा और उसके बाद फिर से उसको कूल करके सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं इतने प्रोसेस करने के बाद हर प्रोसेस पे आप उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको कौन बताता है फेस डायग्राम अब फेस डायग्राम में आगे चलते हैं फ्रिक्वेंटली यूज टर्मोलॉजी मतलब जब आप फेस डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको बेसिक टर्मोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए जैसे सिस्टम क्या होता है और उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सिस्टम का मतलब क्या होता है एक्चुअली होता क्या है जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपका अपना कॉलेज uh, है तो कॉलेज का एक अपना सिस्टम होता है सिस्टम इन द सेंस कि बाहर का सराउंडिंग उस पर कोई इम्पैक्ट ना डाल पाए आइसोलेटेड होता है आइसोलेटेड मतलब उसके अपने रूल्स होते हैं अपने नॉर्म्स होते हैं वो उसको फॉलो करता है इसी तरह अगर मटेरियल होता है या दो मटेरियल आप उसमें मिक्स करते हैं तो उसका अपना एक सिस्टम होता है एक आइसोलेटेड बॉडी होती है और उसमें आप कोई भी चेंजेस इंटरनली कर सकते हैं एक्सटर्नली कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं मतलब बाहर से सराउंडिंग जो है वो उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके तो वही चीज़ आपका सिस्टम कहलाता है तो इन द स्टडीज़ ऑफ़ फेस एंड फेस डाइग्राम द फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम पहला आपका सिस्टम है वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं पहला आपका सिस्टम है अब सिस्टम में क्या होता है द सबस्टेंसेज दैट आर आइसोलेटेड एंड द सबस्टेंस दैट आर आइसोलेटेड एंड अनएफेक्टेड बाई देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सिस्टम मतलब वो सबस्टेंसेज जो कि आइसोलेटेड हो और अनअफेक्टेड हो सराउंडिंग से जैसे ये सबस्टेंसेज है सबस्टेंसेज मीन्स कंपोजिशन आप कोई भी चीज को कंपोज कर रहे हो कंपोजिशन कर रहे हो आपस में मिला रहे हो तो वो 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 हो सराउंडिंग्स से तो वो टर्म क्या कहलाएगा आपका सिस्टम कहलाएगा फिर क्या है द सिस्टम में भी सॉलिड लिक्विड गैस और कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री अब सिस्टम क्या होता है या तो सॉलिड होगा लिक्विड होगा या गैस होगा या इन तीनों का कम्बिनेसन होगा जब तीनों को कम्बाइन करेंगे तो एक आपका आप सिस्टम आप, कहलाता है वो फिर क्या होता है जैसे आपका एग्जांपल हमने और भी पहले भी दिया था यूनिवर्स अब यूनिवर्स में क्या होता है मैटर होता है एनर्जी होता है पूरा यूनिवर्स दो चीज़ से मिलकर के बना है एक मैटर और एक एनर्जी मैटर में क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस और एनर्जी में क्या चीज़ें होती हैं आपकी जो जो चीज़ें उसमें मिक्सअप करते हैं वो आपकी जो उसको मूवेबल कराने में आसानी होती है या उसको मोशन प्रोवाइड कराने में आसानी होती है वो आपकी एनर्जी होती है तो सेम उसी तरह सिस्टम में क्या होता है कि द सिस्टम में भी सॉलिड लिक्विड और गैस आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज नोन एज अ सिस्टम अब उसके बाद क्या है द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग कंपोजिशन प्रेशर डेंसिटी और टेम्परेचर इफ़ सच रिक्वायरमेंट एराइजेज़ मतलब कि सिस्टम अगर सिस्टम में रह करके कोई काम करना है तो उसका मतलब क्या हुआ आप उसमें अंदर इंटरनल पार्ट में कंपोजिशन में चेंज कर सकते हैं मतलब प्रेशर आप चेंज कर सकते हैं वन एटमोस्फ्रिक प्रेशर पर आप चेक कर रहे थे आप टू एटमोस्फ्रिक प्रेशर पर आप देख लो तो वहाँ पर प्रेसर आप चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसी कंस्टेंट्स में उसको काम करना होता है और टम्परेचर चेंज कर सकते हैं डेंसिटी आप की अपनी होती है तो ये चीज़ें क्या होता है सिस्टम इज कैपेबल फॉर चेंजिंग प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी और टेम्परेचर इफ़ सच रिक्वायरमेंट अगर एराइजेज होती कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको आ, हुआ कि इतने टेम्परेचर पर हमको ये मटेरियल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उतना टेम्परेचर ले कर के जा सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज अ इंजीनियर और फिर क्या है ये एग्जाम्पल है कि अ स्मॉल पीस ऑफ वेनेडियम एंड पॉलिस्टेन एंड एलॉय एंड गैलीयम सिल्कम सिलकॉन कम्पाउंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम ये वेनेडियम और पॉलिस्टरीन और ये जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है सिस्टम का क्यों क्योंकि इसमें कोई भी बाहर से मटेरियल इफेक्ट नहीं करता है अन होता है और आइसोलेटेड होता है ठीक है अब बात आती है स्टेट की स्टेट क्या होता है इट इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड गवर्न बाई द क्वान्टिटीज सच एज प्रेशर टेम्परेचर और मास स्टेट हमेशा फिजिकल फिजिकल कंडीशन होती है फिजिकल कंडीशन मीन्स जो उसका कंडीशन में एट प्रेजेंट uh, या एट साइड जो भी मटेरियल का अपना स्टेट होता है वो फिजिकल क्वालिटी जैसे गैस फॉर्म में है तो गैसियस स्टेट हो गई लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड स्टेट हो गया तो वो अपना फिक्स होता है स्टेट स्टेट इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एंड इज गवर्न बाय द क्वांटिटीज अब क्वांटिटीज भी जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ टेन है या ट्वेंटी मटेरियल्स हैं तो वो अपनी फिजिकल स्टेट को लिए हुए नंबर ऑफ एटम्स को लेकर के अगर बताएं डिफाइन करें तो उसकी अपनी फिजिकल स्टेट है तो वो स्टेट होता है सिस्टम में भी मे बी इन स्टडी और अनस्टडी स्टेट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज चेंज विथ टाइम और नॉट अब सिस्टम क्या होता है या तो स्टडी होगा या अन होगा और वो भी डिपेंड किसके ऊपर करेगा टाइम के ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ एटम्स इन डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रोसेस में भी स्टडी और अनस्टडी अगर किसी एटम्स की केस में बात करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी या अनस्टडी में उसको डिफाइन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अभी आज के लेक्चर में जो हमने कवर करा वो प्रॉपर्टीज़ बताया स्टेट बताया बेसिक्स ऑफ फेस डायग्राम्स के बारे में बात करा कि फेस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं यूनरी होता है बाइनरी होता है यूनरी में एक कंपोजिशन होता है बाइनरी में दो कम्पोजिशन होते हैं तो ये सारा चीज़ डिस्कस करा नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की टर्मोलॉजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके थैंक्स एलॉट